हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर, स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज हम 3.3 के कम से कम 5-6 क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आधे घंटे का लेक्चर बनाएंगे हमें आसपास, ठीक है। और इसमें टोटल मेरे हिसाब से कुछ 25 क्वेश्चन है, पूरे सब क्वेश्चन और क्वेश्चन मिला के। बाद में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन के बाद। तो उसके लिए हम दो लेक्चर बनाएंगे और एक पहला जो ये कुछ 2-4 क्वेश्चन है वो पहले कर लेते, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पूछा गया है कि साइन पाई बाई 8 की वैल्यू निकालो, फिर बोला गया है कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू निकालो। देखो बच्चा, साइन पाई बाई 8 यानी साइन 15, ठीक है। तो साइन पाई बाई 8 यानी साइन 15, अगर आपको समझ नहीं रहा है तो साइन 15 की वैल्यू वैसे हमने निकाली है साइन 45 माइनस 30 करके, लेकिन यहाँ इस मेथड से नहीं निकालनी, ठीक है। यहाँ आपको हमारे डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले लगा के निकालनी, ठीक है, या हाफ एंगल। तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि अगर 15 का डबल करो तो 30 हो रहा है, ठीक है। और ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इसे डबल कर सके, तो वो एक ही फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो देखो, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दूसरे इसमें भी वही यूज करना है। देखो कॉस 2 थीटा, देखो कॉस 2 थीटा डबल हो रहा है ना, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin² थीटा। सर यहाँ तो साइन स्क्वायर आ गया, उससे क्या रूट ले लेंगे। तो ये देखो, ये इधर से इधर गया 2 sin² थीटा तो पॉजिटिव बन गया, और ये कॉस 2 थीटा इधर आया तो ये निगेटिव बन गया 1 माइनस cos² थीटा। और ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई है ये यहाँ डिवाइड में आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस cos² थीटा अपॉन 2, ठीक है, 1 माइनस cos² थीटा अपॉन 2। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या, बताओ जल्दी, फास्ट है नहीं, ठीक है। चलो मैं आगे, ठीक है। अब देखो यहां अगर मैं लिखो साइन स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है, स्क्वायर करना है ना मुझे थीटा का, यानी थीटा इज इक्वल टू 5/8 है अपना। लेट, वैसे तो लेट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते क्योंकि है तो सही वो, ठीक है। 1 माइनस cos 2 into π/8 यानी π/4। अब यहाँ समझा नहीं आपको, है ना, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाए। तो 2 थीटा है ना बच्चा, 2 into π/8 कितना होता है, π/4। ओके ठीक है, अपॉन 2, दोनों साइड रूट ले लो, तो साइन π/8, इसका रूट लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है, तो वो लिखना ही नहीं है हमें, ठीक है। इसका रूट लोगे तो देखो 1 माइनस cos 45 कितना होता है, 1/√2 अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस 1/√2 वो भी अंडर रूट, और ये 2 ऐसे का वैसा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ √2 into 1√2 तो अंडर रूट 1 नहीं √2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो √2 into 1√2 - 1 अपॉन, ये √2 नीचे चल जाएगा तो 2√2, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर आप इसे चाहो और सॉल्व करना तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं रैशनलाइजेशन के हिसाब से, तो √2 - 1 / √2 × √2/√2, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ √2 × √2 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -√2 × √2, ठीक है, शायद ये बहुत बारीक हो गया आपको दिख नहीं रहा, 2 - √2, ठीक है, ये √2 × √2 2, 1 × √2 √2 2, √2 × √2 2, तो ये 2 × 2 = 4, तो ये हो गया आपका पहला, इसका पूरा आंसर, ठीक है, इसका आंसर ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, ठीक है, दिख रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ जरा, हाँ आपको दिख रहा है, बारीक हो गया थोड़ा ना, एक मिनट जरा उसको मोटा कर दे, एक मिनट, ये अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता, अब दिख रहा है, जरा एक बार चेक करता हूँ मैं वापस, हाँ अब आपको पूरा क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो समझ गया,
आसान है, ठीक है, ऐसे ये करना है। देखो हाँ, ये वैल्यू गलत है। बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे, सर वहाँ 45 - 30 क्या था, तो वो सही था, ये गलत है, ठीक है। लेकिन ऐसे इस मेथड से ऐसी आएगी, ठीक है। अब ये कॉस का देखो, cos 15, तो इसको लिख सकते हैं cos 15, यानी कि अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सर? बेटा वही जो अभी लगाया, यहाँ मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, इस बार ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। चलो लगाओ ऐसे, ठीक है, अच्छा अच्छे से लगा देता। cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos²θ - 1, ठीक है। तो ये देखो cos²θ, ये माइनस के इधर आके प्लस, cos²θ + 1, cos²θ + 1 / 2, ये माइनस उधर जाके प्लस और ये / 2, तो डिवाइड करो तो cos θ इज इक्वल टू √1 cos²θ / 2, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसके सहारे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसे इस फॉर्मूले के सहारे पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 5/8, वापस से वैसे, ठीक है, लेट लिख लो, ठीक है। देयरफॉर cos θ, यानी cos 5/8 स्क्वायर वैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है बेटा, नहीं रूट, अरे हाँ, डायरेक्टली cos 5/8, अब स्क्वायर हमने यहाँ डायरेक्ट रूट कर दिया, या मैंने पहले स्क्वायर के फॉर्म में बनाया था, यहाँ रूट नहीं लिया, बाद में लिया, यहाँ रूट डायरेक्ट ले लिया, एक ही आएगा आंसर, आंसर में कोई चेंज नहीं। इज इक्वल टू √1 - cos²θ। अब 2θ को हमने अभी किया था, क्या होता है, 5/4 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 4 8, ठीक है, ये 2 से 8 4 पे कट है, ठीक है। तो cos 5/4 अपॉन, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, अपॉन 2 इज इक्वल टू √1 - cos 5/4 यानी 45, तो 1/√2 × 2, तो ये √2 × 1, ये √2 - 1/√2। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2 नीचे डिनोमिनेटर में आया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये 2/1 है, रेसिप्रोकेट होके 1/2, तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसी का सेम टू सेम आ गया। देखो क्योंकि 45 में वैल्यू सेम आती है दोनों की, cos 45 sin 45, ओके, देखो सेम तो आया। तो इसे सॉल्व करोगे तो लास्ट में यही आएगा, 2 - √2/4, ठीक है, समझ गया ना, कोई दिक्कत बेटा नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपका cos 15 का आंसर दिया, sin 15 का, ठीक है, जरा नोट कीजिए, 1, 2 एंड 3, ठीक है, ठीक है। आई थिंक सो बच्चा आपको समझ गया होगा ये, ठीक है। अगला करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। sin 2x cos 2x tan 2x इफ sec x इज इक्वल टू -13/5। कुछ नहीं, टेंशन ना लो, sec x पहले जो दिया है उसे लिख के थोड़ा एनालाइज कर लो, कौन से क्वाड्रेंट में वगैरह वगैरह, तो इसको एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ रहा है बच्चा कि यहाँ आपको x जो है, ठीक है, दैट इज बिटवीन फर्स्ट एंड सॉरी बिटवीन सॉरी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्या बोल रहा हूँ, बिटवीन बिटवीन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, 90 एंड π के बिटवीन है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ऐसे 90 और ये π सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ अगर आप sec को cos x लिखे उल्टा, तो क्या हो जाएगा, -5/13, ठीक है, ये हो गया सर। अब sec को उल्टा करेंगे तो sec x इज इक्वल टू 1/cos, सही है ना, लिख के दो यहाँ, वैसे ही cos x इज इक्वल टू 1/sec, अगर ये अपॉन में चले गया तो उल्टा ही होगा ना, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट है तो निगेट, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो cos नेगेटिव ही रहेगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव, ठीक है। अब cos के सहारे हम आराम से बाकी के निकाल सकते हैं, देखो कैसे, सुनो सुनो, अब cos से साइन निकालो, पहले तो sin x कैसे निकलेगा, sin x इज इक्वल टू √1 - cos²x, ठीक है, क्योंकि देखो क्योंकि
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ हमने ये साइंस एक्स है ना, ये साइंस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रखा और ये लिखे गए वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये रूट में ले लिया, तो साइन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ गए, मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक बार फिर देखो, ये साइन एक्स इधर ही रखो, ठीक है, ये कॉस उधर लिखे जाओ, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा ना, अगर रूट ना हो, सपोज रूट बाद में लिया हमने सपोज, तो पहले तो ये साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, ठीक है, फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, तो अब रूट लेंगे तो ये रूट कैंसिल और यहाँ रूट, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस फाइव बाय थर्टीन, तो ये माइनस फाइव बाय थर्टीन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, साइन एक्स इज इक्वल, ध्यान देना 13 का स्क्वायर 169 इंटू 1 169, ठीक है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 होगा, ठीक है, तो ये माइनस बाहर का वैसे ही और ये पॉजिटिव 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट है सॉरी, अपॉन ध्यान देना ये 13 का स्क्वायर 169 अभी भी है, मैंने यहाँ डायरेक्टली एक स्टेप स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक है, स्किप नहीं करूँ, चलो लिख देता हूँ 1 माइनस 25 अपॉन 169। अब यहाँ से यहाँ, ठीक है, अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 25 गया तो 144 अपॉन 169 है, ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू 144 का कितना आता है 12 अपॉन 13, 144 का 12 आता है और 169 का 13 आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ प्लस या माइनस क्या होगा, तो यहाँ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट और सेकंड में जो साइन है वो पॉजिटिव, देयरफॉर ये पॉजिटिव ही 12/13 रहेगा, ये हो गया साइन एक्स, ठीक है। तो अभी साइन एक्स और कॉस एक्स मिल गया ना, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, टेंशन नहीं, अब टैन एक्स भी निकालो, क्यों बोलूंगा मेरे को, एक एक चीज निकालो, टैन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मैं इसलिए आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको समझे, और भी मेथड है लेकिन ये अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ, सबको समझेगा, 12/13 अपॉन -5/13 कैंसिल, तो -12/5 टेन एक्स आ गया, क्या आ गया, टेन एक्स क्या आ गया, -12/5, ठीक है, ये माइनस ऊपर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आराम से, अब हम क्या करेंगे, साइन टू एक्स कर लेंगे, तो साइन टू एक्स इज इक्वल क्या आएगा, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो टू इंटू साइन एक्स कितना है 12/13 और कॉस -5/13, ठीक है, तो ये -5/13 और ये 12/13, ठीक है, 12/13 इंटू -5/13, तो ये 13 169 अपॉन 60 और ये 2 120, तो -120/169 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है, तो ये आ गया साइन टू एक्स, क्या आ गया बच्चा, साइन टू एक्स, ठीक है। अब कॉस टू एक्स आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है, बहुत ही आसान है, अब कॉस टू एक्स निकालना, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2, या मैं कॉस का कॉस के सारे निकालता हूँ, तो 2 cos² x - 1, है ना, सही है, अरे क्या कर दिया ये, सही है 2 cos² x - 1, ठीक है, तो देखो 2 into cos² x, कॉस क्या है आपका -5/13, ये तो पहले निकल सकता था सर, हाँ सही है, लेकिन मैंने नहीं निकाला, मैंने जानबूझ के इतने सारे फॉर्मूले रिवाइज किए, वरना कॉस टू एक्स निकालने के बाद साइन टू एक्स निकालना आसान था, ठीक है, तो ये -5/13 का स्क्वायर -1, ठीक है, तो 2 ये 25 माइनस का स्क्वायर प्लस अपॉन ये 169 -1, ठीक है, ये हो गया 50
169, तो 50 माइनस 169 अपॉन 169, तो cos 2x क्या आ गया, cos 2x आ गया 50 माइनस 169 119, 119 वो भी माइनस वाला अपॉन 169 अपॉन 169। अब tan 2x निकालना कौन सी बड़ी बात है, देखो tan 2x तो डायरेक्ट निकल सकता है, tan 2x इज इक्वल टू sin 2x, मैं बीच में तो नहीं आ रहा, रुको जरा हटता हूँ, सबर करो, cos 2x ठीक है माइनस 120 अपॉन 169 ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में x, x का 2x है ना डबल, फिर और आगे चल जाएगा इसलिए निगेटिव आएगा, तो cos cos अब ये कितना आ गया आपका tan 2x इज इक्वल टू sin 2x है, sin 2x है ना माइनस 120 बाय 169 अपॉन 119 माइनस 119 बाय 169 ये गया माइनस 120 अपॉन माइनस 119, therefore tan 2x is equal to minus cancel 120 upon 119 okay हो गया ठीक है clear। अब जरा नोट कीजिए 1, 2 and 3 ठीक है क्लियर हो गया, चलिए तो कर लिया बच्चों नोट ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका प्रूव द फॉलोइंग शुरू हो जाता है ठीक है, जिसे हम प्रूव दैट के नाम से जानते हैं। अब देखो जिसने फॉर्मूले दिल से याद किए है ना उसको समझ गया है, उसने पहला क्वेश्चन कर भी लिया होगा, एक बार पॉज करो कॉस टू थीटा के फॉर्मूला चेकआउट करो 3 के 3 और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, एकदम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, पहली बात तो डबल से हाफ एंगल हो रहा है, मतलब उसके आधा हो रहा है ना टू थीटा की, ये बोल रहा हूँ, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, फॉर्मूले लिखते cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये किसी काम नहीं आने वाला, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से यहाँ अगर देखोगे तो ये माइनस ये 1 अगर इधर जाता है तो देखो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा ठीक है, और ये अगर देखोगे यहाँ ले जाके ये साइन इधर लेके जाओगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये जो है ये इधर गया तो 1 माइनस cos 2 थीटा ओके, तो 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 कैंसिल तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, ओहो हो गया रे भाई सॉल्व ठीक है, कोई दिमाग लगा कुछ नहीं, बहुत आसान ठीक है, कतई आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ बेसिक्स आना चाहिए, ये फॉर्मूले अगर आते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा ठीक है। चलिए नोट कीजिए फॉर्मूलाज, नोट कीजिए उससे अच्छा ठीक है, कर लिए ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं आसान है ये भी, देखो एल एच एस, अब मैं ये स्टेप नहीं लिखूंगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो साइन 3x इंटू साइन एक्स तो साइन 3x इंटू साइन एक्स लिखेंगे ठीक है, ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स ठीक है, प्लस ये कॉस एक्स इंटू कॉस 3x कॉस 3x इंटू कॉस एक्स ठीक है, ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 ये लिखना है नहीं, ये सॉल्व करके 0 ठीक है। पहले तो मैंने सिर्फ यहाँ साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर कॉस दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और कुछ नहीं किया मैंने पहले स्टेप में ठीक है, अब आगे देखते क्या होता है ना। चलो तो यहाँ इस साइन 3x को क्या लिख सकते बच्चा, इसको लिख सकते साइन 3x का फॉर्मूला, या साइड में लिख लो, शायद अभी तक आपको याद नहीं हो है ना, ट्रिक्स के साथ बताता हूँ, पहले 34 ट्रिक है इसकी याद रखो, तो क्या आता है 3 साइन एक्स
याद कैसे किया मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि माइनस बीच में तो आता ही है, साथ में फोर के साथ क्यूब, यानी फोर कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, सॉरी साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x 43 होता है, इसके उल्टी साइन की ट्रिक 34, कॉस की क्यूब ट्रिक 43, तो फोर के साथ क्यूब आता है, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो यहाँ क्या लिख सकते बेटा, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देना, यहाँ आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कॉस 3x आगे लिख लूँ, देखो ये काम में आएगा, देखो मुझे दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नए हो ना इसलिए आप वो चीज़ नहीं देख पाओगे जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। कॉस 3x और ये प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स। अब देखो अरेंज ऐसा क्यों किया सर, मेरी साजिश है इसके पीछे एक छोटी सी, ठीक है। ये माइनस कॉस 2x है, कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, इसे ऐसे ये बाद में, और ये आगे क्यों लिखा उसके पीछे भी एक साजिश है, ठीक है। अब देखो कॉस है कॉस बी, प्लस साइन है साइन बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होते हैं, ऐसे कॉस 2x होते हैं, कैंसिल के आ गया 0, ठीक है, आ गया आर एच एस, ठीक है। देखो कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, चलिए नोट कीजिए, 1, 2 एंड 3 हो गया बच्चा, ठीक है, आई थिंक सो आपका हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ देखो, यहाँ तो देख के समझ रहा है कि ए माइनस बी और ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला दोनों जगह लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो ये एल एच एस जो है आपका, ठीक है, इसे लगाते ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जिस जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता उनको मैं 2 मिनट में साइड में लिख के देता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 2 sin x इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, मतलब 2ab होता है ना, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्शन है, गलत है ये क्वेश्चन, यहाँ टेक्स्ट बुक में यहाँ प्लस कर लो, ठीक है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगेगा जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ माइनस वाला नहीं, मतलब कॉस के लिए प्लस लगेगा तो यहाँ भी प्लस, ठीक है। तो अब देखो, अब ये और ये 1 बन गया, ये और ये 1 बन गया, ठीक है, मुझे थोड़ा बाद में पता चला, मतलब पता था मैं भूल गया था सिर्फ, ठीक है, ये और ये, ठीक है। वैसे रोज टेक्स्ट बुक सॉल्व करते रहते तो पता तो होता है लेकिन फेड आउट हो जाता है वो। 2 cos x इंटू कॉस वाई, ये माइनस 2 sin x इंटू साइन वाई, ओके, ठीक है। यहाँ 2 प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आया, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 2 कॉमन निकालने के बाद, ठीक है। तो ये देखो ये फॉर्मूला बना कॉस ए प्लस बी का, तो 2 यहाँ कॉमन आया, ठीक है। हेलो, नहीं आता तो जाते नहीं बेड़ा मुझे दावा से देने, हाँ तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इसका क्या आ गया, कॉस, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया यहाँ से, तो यहाँ आया 1 प्लस cos a + b, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 प्लस cos थीटा, तो ये कहाँ आ रहा है, एक मिनट जरा चेक करते हैं। देखो आपने देखा है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1, बिल्कुल। यहाँ पे देखो अगर मैं
ये लिखा है मेरे पास, या माइनस का या प्लस, तो कॉस टू थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है बिल्कुल, तो ये लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू। अपॉन टू क्यों हो गया, क्योंकि एंगल आधा होता है, देखो यहाँ डबल था यहाँ आधा हो गया वैसे, ठीक है। तो इसमें डबल था यहाँ, यहाँ डबल था मतलब यहाँ वन था तो इसको आधा, ठीक है। टू टू जा फोर, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। नोट कीजिए बच्चा, वन टू एंड थ्री हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो ये सेम एज क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर्मूला के साथ, तो ये आपको होमवर्क है, बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला लगेगा सिर्फ साइन का, ठीक है। ई एक बार देखते हैं फिफ्थ, ठीक है, सेम था इसलिए मैंने दिया आपको, ठीक है। अगर नहीं समझाना कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। एल एच एस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये तो आसान है, देखो टैन और कॉट को साइन कॉस में करो, हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये साइन एक्स इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये देखो साइन इंटू कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी क्या वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया ना, अब यहाँ टू से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ और यहाँ, तो क्या आ जाएगा, टू अपॉन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन टू एक्स, ठीक है। तो साइन टू एक्स वन अपॉन साइन टू एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक टू एक्स, तो टू कोसेक टू एक्स, ठीक है, क्योंकि वन अपॉन साइन टू एक्स कोसेक टू एक्स, ठीक है। समझ रहे हो क्या मेरी बात, क्या किया मैंने, कुछ नहीं, देखो इसको सिर्फ मैंने साइन कॉस में लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डायरेक्टली आंसर पॉपअप ही हो गया। सिर्फ ये टू का एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साइन टू थीटा जो फॉर्मूला है वो कैसा है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही क्यों बनाया है यहाँ पे, क्योंकि अपॉन में आपका साइन इंटू कॉस था और मुझे पता था कि वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ओके क्लियर, ठीक है। ऊपर से एंगल भी डबल था। अब ये भी कोई हार्ड नहीं है, देखने में से बहुत ही बड़ा और ऐसे मॉन्स्टर दिख रहा है, लेकिन है नहीं, ठीक है, देखने में बड़ा दिख रहा है वो मुझे पता है, लेकिन है नहीं डिफिकल्ट, ठीक है, क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ देखो एल एच एस, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई है यहाँ, ठीक है। तो देखो कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ध्यान देना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यह हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या गया ये कॉस टू एक्स, ठीक है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे आएगा ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो ये ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरूर आपको डायरेक्ट नहीं समझी सब पूछते, मैं समझता हूँ डायरेक्ट आपको नहीं समझ, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इसे हटा के, ये यहाँ और यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख देता हूँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, ठीक है। देखो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है,
अब यहाँ हमें ये पता है कि cos square x minus sin square x is equal to cos 2x, फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो cos 2x अपॉन, ध्यान से, ये और ये 1 बन गया, ठीक है, ये और ये भी 1 बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 प्लस 2 cos x into sin x माइनस ये 1 बन गया, तो माइनस 1 माइनस 2 cos x into sin x, ठीक है। अब ध्यान देना आगे, ठीक है, ये माइनस 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, ठीक है, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक बार करके दिखा दो, देखो 1 माइनस 2 cos x इंटू साइन x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 cos x इंटू साइन x cos x इंटू साइन x, ठीक है, क्लियर, हाँ ठीक है ना, हाँ ये कट गया, ये प्लस, ये ऑलरेडी प्लस है, कट जाता हो 0 बन जाता, ध्यान देना थोड़ा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, अपॉन ये cos 2x तो अभी भी हाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हो गया, अब ये और ये ऐड हो जाएगा, तो 4 cos x into sin x, 4 sin x into cos x अपॉन cos 2x, अब ध्यान देना, ये 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो रहा है, साइन 2x, तो देखो 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, तो साइन 2x अपॉन कॉस 2x टेन 2x, तो 2 इंटू टेन 2x इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, हो गया। चलिए नोट कीजिए बच्चा, समझ गया ये क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार ध्यान से, हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर लेंथी हो गया है, दो और क्वेश्चन हमने पहले के कर लिए, दो तीन सॉरी फिर ये भी 5-6 कर लिए हमने, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बचे हुए अगले लेक्चर में करेंगे, हो गया तो, वरना और दो लेक्चर इसके लिए बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद जय भारत।